विजयेश्वर के उम्मीदवार पंजाब और तमिलनाडु के बीच मैच शुरू होता हुआ पहली रन पंजाब की ओर से 9 नंबर में। ये काफ़ी महत्वपूर्ण मैच क्योंकि मेजबान टीम पंजाब, देखते हैं कि किस प्रकार से मैच में जीत दर्ज करता है या फिर तमिलनाडु बाजी मारता है। और अब तमिलनाडु रेड के ऊपर तमिलनाडु भी खामोश पर आई रेड, पहला रेड। और अब पंजाब फिर से पहले पॉइंट की तलाश, देखता है शुरुआत कौन सी टीम पहले करती है। 70वीं सीनियर नेशनल वुमन कबड्डी चैंपियनशिप 2023 और यह मेजबान पंजाब बनाम तमिलनाडु के बीच मैच चलता हुआ पहले पॉइंट यहां जाता हुआ इस समय पंजाब के पाले में। पंजाब 1-0 से आगे जबकि तमिलनाडु का खाता खोलना भी बाकी। और यहां कोशिश भरपूर की लॉबी में जाते हुए और पॉइंट इसी के साथ तमिलनाडु को लीजिए 1-1 से स्कोर लेवल होता हुआ। बेहद रोमांचक क्षण शुरुआती समय में कॉर्नर के ऊपर अच्छा प्रयास और यहां धक्का देकर अपने ही पाले में ले गई डिफेंडर को। शानदार पॉइंट इस वक्त तमिलनाडु बनाम पंजाब, संघर्ष कड़ा है इस वक्त, इसलिए पंजाब मजबूती से खड़ा है। यहां टच पॉइंट बटोरने में कामयाब, 2-2 से स्कोर लेवल होता हुआ। और इस वक्त देखिएगा कहना मुश्किल जीत किसकी होगी। अच्छा प्रयास किया लेकिन यहाँ रेडर आउट, बोनस जरूर जीत किया, एक पॉइंट भी गंवाए, कुल मिलाकर 3-3 से स्कोर लेवल 3-3। 10 नंबर में इस वक्त बेहतरीन संघर्ष और यहाँ बाहर जाना होगा रेडर को। कमाल का टेकल और इस टेकल की बदौलत एक अंक की बढ़त पे इस वक्त पंजाब, पंजाब की तारीफ करनी होगी, एक सदीवी शुरुआत और एक अंक की मामूली बढ़त पे इस वक्त। यहाँ थोड़ा सा रक्षात्मक रवैया पंजाब का और तेजी से आगे बढ़े हैं। ये बड़ी रेडर है 9 नंबर जर्सी में, शुरुआत इन्होंने की थी पहली रेड पेयर। कॉर्नर से पॉइंट निकालते हुए इस समय तमिलनाडु के पाले से अब बढ़त 2 अंक की पंजाब की, तमिलनाडु 3 पंजाब 5। यहाँ संघर्ष इस वक्त तमिलनाडु का भी बराबर कायम, पॉइंट लेने में कामयाब, एक अंक मामूली पीछे है इस समय तमिलनाडु, क्योंकि मेजबान एक मनोवैज्ञानिक बढ़त होम ग्राउंड कितना लाभ उठा पाता है देखने वाली बात होगी। तमिलनाडु फिर से पॉइंट गंवाए इसी के साथ स्कोर लेवल 5-5 और बड़ी रन हो सकती है ये, 2 पॉइंट मिलेंगे। जी हाँ, सफलता के साथ पहुंची लक्ष्य रेखा पार पंजाब अब 7 जबकि तमिलनाडु 5, लेकिन अच्छी चुनौती का सामना कर रहा है तमिलनाडु भी, बराबर अंक अर्जित करता हुआ एक इधर से 6-7 का स्कोर। टाइम आउट इसी के साथ पंजाब का, पहले हाफ में पहला टाइम आउट। राजस्थान टीम की कोच इस समय श्रीमती सोलानी जी पाठक और पूरी राजस्थान की टीम यहां देख सकते हैं आप,
प्राची बेनीवाल, निधि शर्मा, रेणु देसवाल, गुन्नो। ऑडियंस काफ़ी विशाल संख्या में इस वक्त। पंजाब 10 नंबर पे बढ़त बनाने में तो कामयाब रहा अभी तक, लेकिन ज़्यादा बढ़त नहीं। पीछे पीछे तमिलनाडु भी निरंतर आगे बढ़ता हुआ। शेफ ही वापस, तमिलनाडु देखे निरंतर इस वक्त। और यहाँ इस पॉइंट के साथ ही वापस मैच में पंजाब के सामने। इधर से लॉबी में चले गए, देखते हैं आखिर एक से दो पॉइंट हो सकते हैं। गलती जरूर की है, दो पॉइंट गंवाता हुआ तमिलनाडु। और इस दो पॉइंट के साथ ही एक बार फिर बढ़त पे बढ़ता हुआ स्कोर 9 पंजाब, जो कि तमिलनाडु इस वक्त साथ। यहाँ पे जबरदस्त टैकल है यहाँ पे, और इस टैकल की बदौलत ढाई अंकों में पहुंचता हुआ। हल्का सा चोट लगा है शायद, लेकिन चिंता वाली बात नहीं। पंजाब एक बार फिर 3 अंक की बढ़त पंजाब के पास। पहले आपका खेल और कोशिश बढ़त को मजबूत करने की मेजबानी कर रहा पंजाब, इसलिए प्रशंसक भी चाह रहे हैं कि पंजाब जीत दर्ज करे। डी में जाकर वापस 7 नंबर में तमिलनाडु आगे बढ़ता हुआ। 7 ही स्कोर है इस समय तमिलनाडु का, और यहां कोशिश होगी पॉइंट निकालने के। कॉर्नर के ऊपर प्रयास जरूर, लेकिन रेडर यहां आउट, बोनस तक पहुंची। एक एक अंक दोनों टीमों को, 11-8 का स्कोर इसी के साथ। और अब पंजाब की बेहतरीन रेडर 12 नंबर में, 3 का डिफेंस है सुपर टेकल में इस समय दिखाई दे रहा। देखते हैं टेकल कर पाता है कि नहीं तमिलनाडु। शाम ढलते भी इस समय, क्योंकि एक दो मैच और होने बाकी। इसके बाद दो मैच और खेले जाने शायद। थोड़ा सा हौसला होता हुआ, ज्यादा बढ़त नहीं है, सिर्फ 3 अंक की लीड पे है पंजाब। और यहां शानदार एंगल होल्ड कॉर्नर के ऊपर, और इस प्रकार से 12वां अंक पंजाब के पाले में। पंजाब का स्कोर निरंतर वृद्धि करता हुआ। सुपर टेकर सिर्फ 2 का डिप, लगातार मजबूती के साथ आगे बढ़ता हुआ मेजबान पंजाब। तमिलनाडु पिछड़ता हुआ, अब स्कोर देखते ही देखते देखिए 17 जा पहुंचा, जबकि 8 पे अटका हुआ तमिलनाडु। बाहर निकलना चाहेगा इस दबाव से, बोनस अर्जित करने में कामयाब। 9 पे पहुंचता हुआ इस समय तमिलनाडु। तमिलनाडु शुरुआत में जरूर अच्छा खेल दिखाया था, लेकिन यहां बड़ी रेड हो सकती थी। और यहां सफलता के साथ लक्ष्य तक पहुंच गई। अब समझ नहीं आया, उसे मौका था ब्लॉक करने का, लेकिन उसके बावजूद पॉइंट तमिलनाडु के खाते में 2 पॉइंट जाते हुए। लक्ष्य रेखा तक पहुंची नहीं थी, और डिफेंडर सोचती रही कि शायद लक्ष्य रेखा तक पहुंच गई है, तो ऐसे में बड़ी गलती मेजबान पंजाब के द्वारा। यहां समय पर टकटकी लगाए हुए 11 जहां स्कोर तमिलनाडु का, वहीं 17 मेजबान। 6 अंक की बढ़त है, और जरूर खुश होगा इस बढ़त से। एक बार फिर से थोड़ा सा समय लेता हुआ तमिलनाडु। डी को छूकर वापस, देखते हैं पॉइंट का प्रयास करते हैं या फिर खामोशी वापस लौटते हैं।
सेफ ही वापस लौटे। थोड़ा सा रक्षात्मक रवैया, क्योंकि पहले आपका खेल ज्यादा नहीं और बढ़त मेजबान पंजाब की बरकरार। एक बार फिर से सेफ ही कम बैक करता हुआ तमिलनाडु। टू और डाई रेड है ये, इसलिए सावधानी से आगे बढ़ना होगा। और यहाँ लक्ष्य तक पहुँचते हुए पंजाब की रेडर और दो पॉइंट के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 19-19। अब बढ़त देखिएगा 6 से बढ़कर 8। इधर से भी डोर डाई लीजिए, शानदार तरीके से एक पॉइंट फिर से कमाया। चार के डिफेंस में 10 नंबर आगे बढ़ता हुआ, ऊंचा लंबा कद, अच्छी खासी हाइट है और काफ़ी कारगर साबित रहती है खेल कबड्डी में। 20-11 के स्कोर में इस समय अच्छी स्थिति में है मेजबान। सुरक्षात्मक रुख अपनाने की कोशिश तमिलनाडु, थोड़ा सा हौसला खोता हुआ। या तमिलनाडु को समय नहीं बिताना चाहिए, उन्हें तो सांस लेना चाहिए। पूरा समय लेने के बाद वापस लौटे, हाफ टाइम का समय लीजिए। दूसरे हाफ का खेल शुरू, पहले हाफ में 9 अंक की बढ़त मेजबान पंजाब के पास है और यहां अंक अर्जित करने में कामयाब तमिलनाडु। तमिलनाडु अब 12 जबकि पंजाब 20, 8 अंक की लीड कम नहीं कही जा सकती। पहले हाफ का खेल पंजाब के नाम रहा। फिर से कोशिश इस वक्त सुरक्षित रवैया। कड़ा संघर्ष इस वक्त करता हुआ तमिलनाडु, लेकिन मेजबान पंजाब इस समय थोड़ा सा रक्षात्मक रवैया अपनाता हुआ। और तमिलनाडु को लीजिए एक और अंक मिलता हुआ, अब 13-20 का स्कोर, बढ़त को कम करने का प्रयास। पहले आप में 9 अंक की बढ़त थी, लेकिन अब 7 अंक की लीड पंजाब के पास इस वक्त, और संघर्ष लगातार कायम। इसी के साथ रेडर आउट। आठ अंक की बढ़त के साथ पंजाब, और यहां अच्छा प्रयास दाएं कॉर्नर से बाएं कॉर्नर की ओर, कहीं लोबी में ना चले जाएं। 12 नंबर जर्सी में उदयमान खिलाड़ी इसमें मेजबान पंजाब की, और यहाँ लॉबी में जाती हुई पॉइंट कॉर्नर के ऊपर गंवाया है। एक अंक के साथ पंजाब अब बढ़त फिर से 9 अंक बनाता हुआ। अच्छी खासी स्थिति में दूसरे हाफ का खेल, कर्तव्य रोशनी में इस समय समय व्यतीत करता हुआ इसमें तमिलनाडु। ये शायद अच्छी सोच नहीं, क्योंकि समय पंजाब को जाया करना चाहिए, क्योंकि तमिलनाडु पीछे है और यहाँ 12 नंबर जर्सी में ही आगे चली है फिर से रेडर। 4 के डिफेंस में अच्छा संघर्ष, लंबे प्रयास के बाद पॉइंट अर्जित करने में कामयाब अंधता है तमिलनाडु। पिछड़ता हुआ मुकाबले में 10 अंक पीछे इस समय, 23-13 के स्कोर में पंजाब बेहद मजबूत स्थिति में। तमिलनाडु सोच रहा है कैसे चुनौती का सामना किया जाए, इसमें निराशा में आशा निरंतर संघर्ष करता हुआ। और यहाँ गाइडेंस और सबसे लंबी हाइट है
इस राइडर की तो 10 नंबर में आगे बढ़ रही है। ये शायद सुपर टेकल में फ़ायदा उठाना चाहेंगे और यही मंत्रणा रही होगी कि पॉइंट गंवाना नहीं है हर हाल में। लेकिन रेडर आउट यहाँ पे, सेल्फ आउट रेडर और अंक गंवाया तमिलनाडु को 14वां अंक। शानदार ऑफ सेटिंग तमिलनाडु और यहाँ शानदार एंगल होल्ड कॉर्नर के ऊपर मजबूत डिफेंस दिखाई देता हुआ जैसे ही जोखिम उठाने की कोशिश की तो पंजाब ने पॉइंट बटोर लिया। अब 24-14 के स्कोर में आगे बढ़ता हुआ हाथ मजबूती से पकड़ा है और लक्ष्य तक पहुंचते हुए पंजाब की युवा स्टार इस वक्त। और यहां ऑल आउट का खतरा मंडराने लगा है इसके साथ ही तमिलनाडु के ऊपर। 5 नंबर में इस समय तमिलनाडु और यहां बेहतरीन तरीके से ब्लॉक किया, साइड लाइन से बाहर भेजता हुआ ऑल आउट के साथ ही पंजाब बेहद मजबूत स्थिति में। अप्रत्याशित बढ़त इस समय 16 पे इस समय तमिलनाडु जबकि पंजाब 30-30। 14 अंकों की विशाल लीड और कम नहीं कही जा सकती है बढ़त। जोखिम उठाने की आवश्यकता इस समय तमिलनाडु को। 2 नंबर की जर्सी में आगे बढ़ते हुए इस वक्त और यहां छलांग लगाई चकमा देने की भरपूर कोशिश की लेकिन मजबूत डिफेंस से चकमा नहीं दे पाई अंततः। पॉइंट जो है पंजाब के पाले में और फिर से यहां बेहतरीन रेड का मुजाहिरा। एक और अंक, स्कोर तेजी से बढ़ता हुआ 32 जा पहुंचा है जबकि 16 पे रुका हुआ। 16-32 और यहां हाथ पकड़ने की कोशिश में अंक गंवाया पंजाब ने। 12 नंबर की जर्सी में इस वक्त शानदार मुजाहिरा, बोनस का प्रयास लेकिन नहीं, थोड़ा सा पीछे रह गए। लेकिन यहां टच पॉइंट बटोरने में कामयाब पंजाब इस वक्त अच्छी स्थिति में, निरंतर मजबूत बढ़त। और यहाँ पे अरे वाह भाई वाह, लक्ष्य के करीब उसके बावजूद जो पॉइंट तमिलनाडु की ताली में जा रहा था उसे पंजाब ने अपनी तरफ खींच लिया। अब पंजाब 34 जबकि 17 पे तमिलनाडु, तमिलनाडु डाल डाल वहीं पंजाब पान पान। और यहाँ लक्ष्य तक पहुँचने की कोशिश, देखते हैं बड़ी रेड हो सकती है क्या। बाहर गए थे, एक पॉइंट का इजाफा इसी के साथ पंजाब को। पंजाब सुखद स्थिति में, जितना स्कोर उनसे एक अंक ज्यादा की बढ़त यानी कि 18 अंक की लीड बनाता हुआ पंजाब दूसरा आपका खेल। और यहां कॉर्नर पे मिलेगा अंक, जी हां रफ्तार के साथ आगे बढ़ी उसका फायदा मिला पिछली रेड पे तमिलनाडु के डिफेंडर को। लेकिन डिफेंस भी कमज़ोर और कोई बड़ी रेडर इस समय तमिलनाडु के पास दिखाई नहीं दे रहा, इसलिए निराशाजनक खेल इस समय तमिलनाडु का। 35 की तुलना में 18 पे ही पहुंच पाया है तमिलनाडु और वो दबाव यहां लगातार और ये एंगल होल्ड कमाल का। इसके साथ ही अब बढ़त 18 अंकों की और यहाँ सुपर टेकल में बड़ी रेड, क्या ऑल आउट होगा देखते हैं। 2 पॉइंट अर्जित करने में कामयाब, 40 का स्कोर छूता हुआ पंजाब और जीत की मजबूत दावेदार। और यहाँ थाई होल्ड जबरदस्त मध्यांतर में जिस रफ्तार से आगे बढ़ रही थी दोनों पांव खाड़ दिए तमिलनाडु की और लगता कहीं ना कहीं मैच में पटक नहीं देता हुआ यहाँ पंजाब तमिलनाडु को। 41 जबकि 18 पे तमिलनाडु बेहद मजबूत बढ़त इस वक्त 23 अंकों की और लीड को काटना कतई आसान नहीं इस वक्त तमिलनाडु की दृष्टिकोण से देखा जाए तो। और उसी संघर्ष में खेल को आगे बढ़ाते हुए यहां झपट्टा मारा सीने पे और पॉइंट जाता हुआ पंजाब को। वो जो चलती रेड लगाई थी वो रेड मानी नहीं गई है क्योंकि उससे पहले पॉइंट अर्जित किया था पंजाब ने। और यहाँ चकमा दिया डूब के लगाते हुए प्रदीप नरवाल की भांति लक्ष्य रेखा तक पहुंचता हुआ तमिलनाडु। बड़ी देर के बाद एक अंक का इजाफा
डिफेंस थोड़ा सा मजबूत दिखाई देता वहाँ कुछ हद तक तमिलनाडु का, और उसी डिफेंस से पॉइंट निकालने की चाहत में पंजाब सेफ ही वापस। समय सिर्फ 5 मिनट का शेष, अब जीत के करीब। और यहाँ जबरदस्त टैकल एक बार फिर से कॉर्नर पे दाएं लगाते हुए दाएं पैर पे अटैक किया और बटोर लिया एक और महत्वपूर्ण अंक। शानदार प्रदर्शन मेजबान पंजाब का, और यहाँ गलती की है, 2 पॉइंट गंवाता हुआ। शानदार रेड यहाँ पंजाब की एक बार फिर से। तमिलनाडु लगातार गलतियां दोहराता हुआ, उस गलतियों से सुधार करना होगा तभी वो वापसी कर सकता है। निराशाजनक खेल इस समय जारी है तमिलनाडु का, होम ग्राउंड पंजाब का, और उसी में से बोनस निकालता हुआ इस समय तमिलनाडु 21 पे तो पहुंच गया। लेकिन यहाँ पकड़ मजबूत है, अब छोड़ने वाला नहीं। और यहाँ देखिएगा सुपर टैकल में इस वक्त 4 का डिफेंस है, इसलिए सुपर टैकल नहीं, 1 पॉइंट का इजाफा। तारीफ करनी होगी मेजबान की कि शुरुआती समय से ही बढ़त बनाते चला गया और अच्छा खासा लीड इस वक्त 23 अंकों का, 22-45 का स्कोर मेजबान पंजाब के पास इस समय लीड जो आप लगातार देख पा रहे हैं। 70वीं सीनियर वुमन नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप 2023 है। खामोश मराही रेड, जोखिम की आवश्यकता क्योंकि खेल लगभग 3 मिनट के आसपास बाकी। और यहाँ मजबूत पकड़ है, लक्ष्य तक पहुँचने की कोशिश, लेकिन देर हो चुकी है। आप पछताए हो क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, ताकत तो पूरी झोंक दी थी पंजाब ने और उस ताकत से बाहर नहीं निकल पाया तमिलनाडु। जीत के बेहद करीब, 24 अंकों की विशाल लीड, समय लगभग 2 मिनट के आसपास बाकी। संघर्ष बरकरार है और यहाँ मौका था, ज्यादा आगे चले गए थे बोनस तक। और यहाँ देखते हैं सिर्फ 1 अंक का इजाफा, एक बार लगा शायद बोनस तक पहुँच गए हैं लेकिन क्लियर नहीं था क्योंकि स्लिप होके पाँव गया था। और यहाँ से अंक अर्जित करने में कामयाब एक बार फिर पंजाब। पंजाब पूरी फॉर्म में, जितनी पर की जाए उतनी कम है, 47 अर्धशतक के करीब, महज 3 पॉइंट दूर। और यहाँ फिर से मजबूत डिफेंस, ये देखें, ये है पंजाब, असरदार भी है और दमदार भी है। 48 वहीं 23 पे रुका हुआ काफ़ी देर से तमिलनाडु, 25 अंकों की विशाल लीड और समय लगभग 1.5 मिनट के आसपास। अब वक्त की नज़ाकत जीत की संभावनाएं प्रबल करती हुई इस समय पंजाब की, और यहां गलती दोहराई है मध्यांतर में पंजाब ने, 1 अंक गंवाता हुआ। 12 नंबर में पंजाब एक बार फिर से, ज़्यादा जोखिम उठाने की आवश्यकता नहीं, गलतियों से बचना चाहिए पंजाब को क्योंकि 24-48 का स्कोर, तमिलनाडु से दुगना लक्ष्य हासिल कर लिया है, 8 शतक से 2 अंक पीछे। और एक बार फिर से सुरक्षित ही वापस लौटे, शायद हमारी आवाज़ उनके कानों तक पहुंची। अब तमिलनाडु 2 नंबर में, बड़ी जोखिम उठाने की आवश्यकता, गुच्छों में दोनों टीमों के पाले में 1-1 अंक। और यहां बलो करने की कोशिश की है, साइड लाइन से बाहर भी भेजा, अच्छा कार्य किया पंजाब वाली पुनरावृत्ति दोहराता हुआ इस वक्त तमिलनाडु। दूधिया रोशनी में इस समय जो आप देख पा रहे हैं, और बहुत बेहतरीन प्रयास तमिलनाडु का अंक निकालने में सफल, 49 पे पहुंचता हुआ पंजाब जबकि 27 तमिलनाडु, जमीन आसमान का अंतर। फ्लड लाइट यहाँ पे, और यहाँ एंगल होल्ड तमिलनाडु के द्वारा, ऐसा होल्ड पहले भी करना चाहिए था। लीजेशी के साथ खेल समाप्त, और यहाँ मुकाबला
पंजाब ने जीत लिया तमिलनाडु को पराजित करते हुए 21 अंकों के बड़े अंतर से। यहां पंजाब ने पटकनी दी है तमिलनाडु को। खेल भावना का परिचय इस समय एक दूसरे से मुखातिब होते हुए दोनों टीम के स्टार खिलाड़ी इस वक्त। और जैसे ही अगला मैच शुरू होता है मैं फिर बेहतरीन कवरेज लेकर हाजिर रहूँगा। तब तक आपको वापस ले चलता हूँ। शुक्रिया।